आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लेंट क्या होती है सीपीसी के अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजंस क्या हैं सीपीसी के अंदर, एंड पार्टिकुलर्स क्या क्या होने चाहिए प्लेंट के अंदर। उन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो के अंदर एक डेमो के माध्यम से समझेंगे, यानी कि हमने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डेमो लिया गया है प्लेंट का, दावे का, जिसके अंदर हम बताएंगे कि पैरावाइज या जो भी इसके पार्टिकुलर्स हैं उनको किस तरह से उसके अंदर सेटअप किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोविज़न क्या है प्लेंट के सीपीसी के अकॉर्डिंग। प्लेंट है जो ऑर्डर 7 के अंदर डिफाइन किया गया है सीपीसी के अंदर, जिसके अंदर रूल 1 से लेकर 8 तक पार्टिकुलर से रिलेटेड हैं, एंड रूल 9 है वो प्रोसीजर बताता है कि प्लेंट को किस तरह से एडमिट किया जाता है, जबकि रूल 10 और 10B प्रोवाइड करते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में एंड द अपीयरेंस ऑफ द पार्टी के बारे में, और जो रूल 11 एंड 13 हैं वो डील करते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रूल 14 एंड 17 हैं, उनके अंदर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस कंटेन है, एंड ऑर्डर 7 है जो वो ऑर्डर सेक्शन 26 ऑफ द कोड के साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि 26 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि एवरी शूट, यानी कि प्रत्येक शूट है वो मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, यानी कि जो भी शूट है उसको अगर आप इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट ही हो सकता है, यानी कि जहां पर कोई भी प्रोसीडिंग विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट शुरू हुई है तो वो शूट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लेंट का मीनिंग क्या है। प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्लेंटिफ के क्लेम्स हैं वो रिटर्न के अंदर बताए गए होते हैं। प्लेंट इज द फर्स्ट स्टेप टू आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट। हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है, डॉक्यूमेंट है, जिसकी प्रेजेंटेशन के द्वारा एक शूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है। हाउएवर द एक्सप्रेशन प्लेंट है वो कोड के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं की है स्पेसिफिकली। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि प्लेंट है जो प्लेंटिफ की प्लीडिंग है, और प्लीडिंग को हमने अपने निचले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, प्लीडिंग के बेसिक रूल्स और प्लीडिंग क्या है वो आप आई बटन में जा करके देख सकते हो। प्लेंट के अंदर क्या है कि प्लेंटिफ को अपने जो फैक्ट अलेज्ड किए गए हैं, यानी कि जो अपने काज ऑफ एक्शन हैं वो मेंशन करने चाहिए। प्लेंट जो एक अप्रोप्रिएट ज्यूरिडिक्शन वाली सिविल कोर्ट के अंदर प्रेजेंट की गई है उसके अंदर एवरीथिंग इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग द फैक्ट टू रिलीव दैट, जो कि प्लेंटिफ एक्सपेक्ट करता है टू ऑब्टेन, कि उसको इस प्लेंट के आधार पर उसको ये रिलीफ मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट। प्लेंट के अंदर किस तरह से प्लेंट को ड्राफ्ट करना चाहिए, किस तरह से प्लेंट की है जो वो बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ्स वगैरह वगैरह जो भी सीपीसी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से हमने एक डेमो के थ्रू यहाँ पर पार्टिकुलर्स हैं प्लेंट के उनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट पार्टिकुलर यानी कि रूल 1A क्या कहता है कि नेम ऑफ द पार्टिकुलर कोर्ट जहाँ पर शूट है जो इंस्टीट्यूट होना है वो कहाँ होता है, सबसे पहले प्लेंट के हेड के ऊपर होता है, यानी कि आपका सूट किस कोर्ट के अंदर दायर होने वाला है वो है ये फर्स्ट लाइन, इसको हम रूल 1A के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करते हैं। सेकंड रूल 1B क्या कहता है, रूल 1B कहता है कि प्लेंटिफ का नेम, पैलेस, उसका रेजिडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जैसे पार्टी राम है नेम हो गया, प्लेंटिफ का एज होगी एंड उसका रेजिडेंस हो गया, तो ये चीज़ें हम रूल 1B के अकॉर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, रूल 1AC कहता है कि नेम, प्लेस,
डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट मेंशन होना चाहिए, यानी कि ये प्लेंटिफ की ड्यूटी होती है कि वो डिफेंडेंट के जो रेजिडेंस है या उसका जो भी एड्रेस है वो भी इसमें मेंशन करे एज पर द रूल 1C। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे प्लेंट के अंदर ये यहाँ पर दे रखा है, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू कलेक्टर, यानी कि प्लेंटिफ ने इनके खिलाफ ये दावा है जो दायर किया है डिफेंडेंट्स के विद द इनके एड्रेस रेजिडेंस या जो भी उनका एड्रेस है उनके साथ में वहाँ पर मेंशन किया गया है। रूल 1D क्या कहता है? सिंपल बात है कि जहाँ पर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है अनसाउंड माइंड है या माइनर है तो वहाँ पर क्या कहता है, ये रूल कहता है कि उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली प्लेंट के अंदर बताया जाना चाहिए कि उसके बिहाफ पे कौन प्लेंटिफ होगा, किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा। जैसे इसमें प्लेंटिफ है वो माइनर हैं तो इसमें लिखा है कि दे आर नॉट इन पोजिशन टू फाइल द प्रेजेंट केस, हैंस द प्रेजेंट शूट है फाइल थ्रू हिज देयर मदर, यानी कि नेचुरल गार्जियन है जो उनके थ्रू इस प्लेंट को दायर किया गया है। नेक्स्ट रूल 1E क्या कहता है? फैक्ट्स बताने हैं प्लेंट के अंदर जो काज ऑफ एक्शन के बारे में बताते हो और काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ हो उस चीज़ को बताते हो, वो फैक्ट भी प्लेंट के अंदर एक पैराग्राफ के थ्रू मेंशन करने हैं, ये रूल 1E कहता है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ इस प्लेंट के डेमो के अंदर, जब डिफेंडेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया टू एडमिट देयर क्लेम, जिस दिन डिफेंडेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था प्लेंटिफ को उनके क्लेम्स को एडमिट करने, उस दिन काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया था। नेक्स्ट रूल 1F कहता है कि प्लीडिंग के अंदर आपको वो फैक्ट बताने हैं, उन फैक्ट्स को पॉइंट आउट करना है जो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को बताते हों। इस केस के अंदर क्या कहा गया है कि जो लैंड है शूट के अंदर मेंशन की गई वो कहाँ सिचुएटेड है, इन दिस विलेज, इस तहसील के अंदर है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो यहाँ पर सिविल कोर्ट है जो इस तहसील की यानी कि एलनाबाद तहसील की उसके पास इस मैटर को एंटरटेन करने की ज्यूरिडिक्शन है। ये जो फैक्ट्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन किए गए हैं ये रूल 1F के अकॉर्डिंग हैं जो कि कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। रूल 1I कहता है कि कोर्ट फीस और ज्यूरिडिक्शन के पर्पज़ के लिए सब्जेक्ट मैटर किस रिगार्डिंग इसमें स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। यहाँ पर हम पैरा नंबर 20 ये बीच बीच में से ये पैराग्राफ्स हमने प्लेंट के बीच में से उठाए गए हैं, यानी कि पैराग्राफ उस प्लेंट का 20 नंबर पैराग्राफ था जिसके अंदर बताया गया था कि जो प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट मैटर है यानी कि जो लैंड है उसकी वैल्यू है जो असेस्ट की गई वो 2000 थी एंड इसीलिए इसके ऊपर जो स्टाम्प कोर्ट फीस स्टाम्प थी वो 25 रुपीज़ होगी और वो प्लेंट के ऊपर फिक्स की गई थी। ये हमारा रूल 1I कहता है ऑर्डर 7 का। नेक्स्ट पार्टिकुलर क्या कहता है कि जो रिलीफ है प्लेंटिफ के द्वारा क्लेम की गई है वो हम किस तरह से मेंशन करेंगे, एज पर द रूल 1G, यानी कि इसके लिए हमने रिलीफ के लिए एक फिर से अलग पैराग्राफ है जिसके अंदर लास्ट में प्रेयर की गई है कि जिसके अकॉर्डिंग ये डिक्लेरेशन दिया जाए भी प्लेंटिफ है वो ये जो एग्रीकल्चर लैंड उनके पोजीशन में है इतनी लैंड है वो उनका एज ए ओनर डिक्लेरेशन दी जाए या जो भी प्लेंटिफ चाहता है अपनी रिलीफ के अंदर यानी कि कोर्ट से जो भी वो आशा करता है वो सारी रिलीफ्स एक पैराग्राफ अलग से मेंशन करेगा जो कि रूल 1G कहता है। नेक्स्ट पार्टिकुलर कहता है कि जहां पर प्लेंटिफ एक सूट फाइल कर रहा है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर तो वहां पर उसको वो फैक्ट मेंशन करने हैं जो ये शो करते हों कि प्लेंटिफ का वहां पर एक्चुअल इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर के अंदर क्या है और उसने उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स नेसेसरी स्टेप लिए हैं जो कि उसको ये सूट फाइल करने के लिए अनेबल करते हों। ये हमारा रूल 4 कहता है रिप्रेजेंटेटिव शूट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट रूल 1H क्या कहता है कि जहाँ पर प्लेंटिफ को अलाउ किया गया है
कोई सेट ऑफ या उसने कुछ रिलिंक्विस्ट किया है पोर्शन कोई क्लेम का अपने, या जो अमाउंट उसको अलाउड हुआ है या रिलिंक्विस्ट हुआ है, तो वो उसको उसके अंदर पार्टिकुलरली मेंशन करेगा। ये हमारा रूल 1H कहता है इसके बारे में। रूल 2 कहता है कि जहाँ पर सूट क्या है इज रिकवरी ऑफ मनी है, तो वहाँ पर जो प्राइस हम मेंशन करेंगे वो प्रिसाइज अमाउंट जो क्लेम किया गया वो एक्यूरेट वे में उसको मेंशन करेंगे। यानी कि आपने सम कितना है, टोटल कितना लेना आपने क्लेम किया है, उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है या इंटरेस्ट इसके ऊपर कितना लगा है, किस रेट से इंटरेस्ट लगा है, कब आपने वो लिए, कब से कब तक वो इंटरेस्ट लगा है, सारी चीज़ें उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगी क्लियर वे के अंदर, ताकि प्लेंटिफ जो क्लेम करना चाहता है वो उसको मिल सके। नेक्स्ट पार्टिकुलर में सब रूल 2 फिर से क्या कहता है कि जहाँ पर शूट क्या है, किस लिए, अकाउंट या मैशने प्रॉफिट के लिए या फिर मूवेबल्स इन पोजिशंस के लिए हैं ऑफ द डिफेंडेंट के, या फिर कोई डेब्ट्स के लिए हैं जो कि डिटरमाइन नहीं किया सकता, मतलब कि कितना अकाउंट है, कितना प्रॉफिट है, कितना जो डेट है, ये चीज़ें, तो वहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है, अमाउंट है उसका, तो उसको मेंशन किया जाएगा। ये हमारा रूल टू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है जो प्लेंट के अंदर प्लेंटिफ ने मेंशन किया गया है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से मेंशन किया जाएगा ताकि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यानी कि उस प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज क्या हैं, उनके सर्वे नंबर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। जैसे कि हमने इस प्लेन डेमो के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर लैंड है जो मेजरिंग है 26 कैनाल्स एंड 3 मरलाज हैं, जो कि बींग शेयर्ड ऑफ 155 बाई 2211 शेयर है ये किसका, टोटल मेजर लैंड का, मेजरिंग 109 कनाल्स 15 मरलाज की। इसमें खेवट नंबर 777 एंड खातूनी नंबर है जो 999 एंड खितास 18। यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिकली उस प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन मेंशन की गई है ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में कोर्ट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये हमारा रूल 3 प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज रूल 5 क्या कहता है। रूल 5 कहता है कि प्लेंट के अंदर डिफेंडेंट का इंटरेस्ट या लाइबिलिटी कितनी बनती है उस इन द सब्जेक्ट मैटर के अंदर ऑफ द शूट, वो चीज़ें भी उसके अंदर एज पर द रूल 5 मेंशन करेंगे। और जहाँ पर दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके लिए अलग से पैराग्राफ होगा, इसमें क्या बताया गया है कि जहाँ पर शूट है जो टाइम बार्ड है, यानी कि उसकी टाइम लिमिटेशन निकल चुकी है शूट की, और तो वहाँ पर अगर प्लेंटिफ फिर भी फाइल करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर ग्राउंड्स बताएगा जो कि उसको एग्जेम्पशन दिलाए उस सूट को दायर करने में। यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो इसके ऊपर एक्सपायर हो चुका है उसका, तो उसके अंदर उसको ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि क्यों वो अपने टाइम लिमिट के अंदर नहीं आ पाएगा, वो अलग से एक पैराग्राफ के अंदर एज पर द रूल 6 मेंशन करेगा। इस वीडियो में हमने आपको बेस्ट वे में समझाने के लिए प्लेंट का डेमो भी दिया।